एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये वीडियो है संडे का, सुबह के 6 बजे हुए हैं और संडे को था मदर्स डे। तो आप सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। बस आ गई हूँ किचन में, तो सुबह की बनाई है चाय, जीरा कोरिएंडर वाटर। आप सबको पता होगा कि सुबह सुबह मैं जीरा कोरिएंडर वाटर लेती हूँ। उसके बाद बच्चों ने खाना था पास्ता, तो उनके लिए मैंने पास्ता बॉईल कर लिया था। तो मैंने कुकर में आज पास्ता को बॉईल किया है। कुकर में मैंने 1 कप पास्ता लिया था, इसमें मैंने 2.5 कप पानी डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल डाला था और उसको बॉईल कर लिया है। उसको मैंने 2 सीटियाँ दिलवाई थी। इसमें मैंने कुछ सब्जियां भी डाली हैं, तो मैंने छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, इसके मैं ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको मोटा मोटा काट सकते हैं, क्योंकि मैं एक ग्रेवी बना रही हूँ तो जिसे हम मिक्सी में पीसना भी है, तो आप चाहें तो इसको रफली चॉप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे ग्रेट कर लिया है ताकि ये अच्छे से मिक्सी में पीस जाए। अब मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे मैं रफली चॉप कर लूँगी। और इसमें आप अपने बच्चों की पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। मैंने इसमें शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर यही डाला था। शिमला मिर्च को भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। आपके पास अगर येलो शिमला मिर्च हो या लाल वाली हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और जैसे मैंने 1 कप पास्ता लिया है, तो मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको अच्छे से रफली चॉप कर लिया है। और क्योंकि हम टमाटो पास्ता बना रहे हैं, तो टमाटर का फ्लेवर इसमें थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। तो बस देखिए, सब्जियाँ हमारी अच्छे से चॉप हो गई हैं, तो चलिए बनाते हैं पास्ता। इसके लिए मैंने सबसे पहले पैन में बटर डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल भी डाला था साथ में, ताकि बटर हमारा जले ना। इसके बाद मैंने इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया है, अदरक को थोड़ा सा भून लेंगे। और इसमें हमने जो चॉप किए हुए प्याज और कैप्सिकम थी वो भी डाल दी है, इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें मैंने हल्दी और लाल मिर्च डाली है, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर को हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए, पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। मैंने एक छलनी में इसे निकाल लिया है और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा पानी डालूंगी, ताकि जो पास्ता है वो आपस में चिपके ना। और कुकर में पास्ता अच्छे से बॉईल हो जाता है, 2 सीटियां दिलवाती हूँ मैं और जल्दी हो जाता है। इसके बाद मसाला भी हमारा भून चुका है, इसे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाला हमारा जले ना और टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। तो इसे मैं थोड़ी देर ढक दूंगी, मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है और टमाटर अच्छे से गल जाने चाहिए। देखिए, मसाला भून चुका है, अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर और मसाला ही मैजिक। अगर आपके पास पास्ता मसाला है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। तो बस मसाले को अच्छे से भून लिया है और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी, ताकि जो सूखे मसाले हैं वो जले ना। मसाला हमारा अच्छे से बन चुका है, बस इसे हम गैस से उतार देंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो जाने के बाद मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है, इसमें हम इसे पीस लेंगे। मसाला पीसने के बाद मैंने उसी पैन में मसाले को डाल दिया है, इसमें बस अब ऑयल नहीं डालना है, सीधा मसाला ही डाल लें। बस मसाला हमारा अच्छे से भुना ही हुआ था, तो इसे ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अब हम नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। इसमें मैंने थोड़ा सा ओरिगैनो पाउडर भी डाला है और मिक्स हर्ब्स भी डाले हैं और
टमाटो सॉस डाली है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटो सॉस से इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसके बाद हमने जो पास्ता बॉईल किया था उसे डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह इसे मिक्सी में ग्राइंड करने से मसाले को, जो सब्जियां हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं और पता भी नहीं चलता है। और बच्चे कई बार क्या करते हैं कि सब्जियां खाते नहीं हैं, पास्ता खा लेते हैं, सब्जियां निकाल देते हैं। तो इस तरह आप अपने बच्चों की पसंद की जो सब्जियां हैं उन्हें आप मिक्सर में ऐसे पीस कर डालेंगे ग्रेवी बनाकर, तो बच्चों को पता भी नहीं चलता है और बच्चे खा भी लेते हैं और टेस्टी भी बनता है। तो इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चीज़ डाल दिया था क्योंकि बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है। तो देखिए हमारा पास्ता बनकर तैयार है, तो चलिए सर्व कर लेते हैं। और शाइन के पास्ते में मैंने थोड़ी सी सैजवान चटनी डाली थी, तो इससे थोड़ा सा तीखापन आ जाता है। तो शाइन तीखा खा लेती है, तो उसकी सिर्फ उसी के पास्ते में मैंने मिक्स की थी थोड़ी सी। तो लीजिए हमारा देसी स्टाइल पास्ता या फिर टोमेटो पास्ता, जो भी आप कहें, बनकर तैयार है। Nice, quiet, unhealthy breakfast on Saturday morning. Good. How is it? Good. Good. And that's what I say. Happy Mother's Day, Mommy. Thank you. This is for you. Thank you. Open it. Wow. What is this? This is a cake. This is a flower for you. Flower. और स्माइल ने मेरे लिए क्ले से फ्लावर बनाया हुआ था और उसको अच्छे से पैक करके रुमाल में उसने रख लिया था। रात को ही बना दिया था ये, और सुबह सुबह जैसे ही उठी तो सबसे पहले उसने मुझे ये गिफ्ट दिया सरप्राइज़। तो ये खुद ही उसने अपनी एक इमेजिनेशन से बनाया है, और उसको क्ले से बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ बनाती रहती है और ड्राइंग भी बहुत अच्छी करती है। और शाइन ने मेरे लिए ये सीनरी बनाई थी, तो ये उसने फ्राइडे से ही बनानी शुरू कर दी थी, तो उसको 2 दिन लग गए थे इसे बनाते हुए। तो थोड़ा थोड़ा वो डेली बना लेती थी। बच्चे जब प्यार से इतने एफर्ट से कुछ बनाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। और मदर्स को किसी और गिफ्ट की जरूरत ही नहीं है, सबसे बड़ा गिफ्ट तो मदर्स के लिए उनके बच्चे ही होते हैं। हैप्पी मदर्स डे मम्मी। थैंक यू। व्हाट इज दिस? ओपन इट। Wow. Wow. Very beautiful. Thanks. Thank you. Welcome. Happy Mother's Day. Thank you. I have did it at night with Clay. Hello, hello, Happy Mother's Day. और स्माइल ने टेबल पर भी हैप्पी मदर्स डे लिखा हुआ था, ये भी उसने क्ले से ही बनाया था। ये भी उसने रात को बनाकर रखा हुआ था, और जब सुबह मैं उठी और मैंने देखा तो बहुत ही अच्छा लगा देखकर। और बस ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सब रेडी हो गए थे और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे में,
क्योंकि यहाँ हर संडे गुरुद्वारे कीर्तन होता है 10:30 बजे से 12 बजे तक, और उसके बाद लंगर भी होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि संडे को हम या तो सत्संग चले जाएं या फिर गुरुद्वारे चले जाएं। तो आज हम जा रहे हैं गुरुद्वारे। सुनकर बहुत ही आनंद आता है, खुशी मिलती है और मन को बहुत ही शांति मिलती है। कीर्तन खत्म हो जाने के बाद हम सब आ गए थे होटल में। मेरे हस्बैंड यहाँ पर जॉब करते हैं, और क्योंकि आज मदर्स डे भी था और यहाँ पर हर संडे इंडियन बुफे लगता है, तो हम सब इधर ही आ गए लंच करने के लिए। क्योंकि यहाँ हर संडे इंडियन बुफे होता है, तो काफ़ी इंडियंस यहाँ पर आते हैं लंच करने के लिए, और यहाँ पर हर संडे मेन्यू भी अलग अलग ही होता है। और आज के बुफे में था पानी पूरी, छाछ, दही भल्ले, टिक्की, पापड़ी चाट, सैलेड, रायता, चटनी, सांभर, डोसा, इडली, बिरयानी, वेज बिरयानी, मंचूरियन, दाल मखनी, पालक, और सब नॉनवेज भी होता है यहाँ पर। और इसके अलावा आज मदर्स डे था, तो आज मदर्स डे का केक भी बना हुआ था, उसके साथ जो है ये पेस्ट्रीज होती है। और मीठे में था गाजर का हलवा। शाइन ने खाई थी सबसे पहले टिक्की, और स्माइल को बहुत भूख लगी हुई थी, वो तो
गुरुद्वारे में ही कह रही थी बहुत भूख लगी है, तो उसने सबसे पहले आते ही पानी पूरी खाई। उसको पानी पूरी बहुत पसंद है तो वो सबसे पहले आकर पानी पूरी ही खाती है। और शाइन ने उसके बाद डोसा ले लिया था। Happy Mother's Day. Smile, you are not talking. Yes, we have. Smile. Happy Mother's Day. बस बच्चों ने लंच कर लिया था, उसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। एक्चुअली यहाँ पर हमें स्टाफ क्वार्टर भी मिला हुआ है, रूम मिला हुआ है, तो कई बार हस्बैंड जो हैं वहाँ पर रेस्ट करने के लिए रूम पे चले जाते हैं। और जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ से होटल जो है वो 15-20 मिनट की दूरी पर ही है। तो बस हम जो स्टाफ क्वार्टर थे वहाँ चले गए थे, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद हम आ गए सुपरमार्केट, ग्रोसरी का कुछ सामान लेना था। और ये सुपरमार्केट घर के पास में ही है, और यहाँ पर इंडियन जितनी भी दालें वगैरह हैं, मसाले हैं, और सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। Strawberries. It's my favorite.
गन्ने सेम है ये नहीं ये हल्का दूसरा है वाला वो वाला छोटे होने में ये वाला ले रही हूँ वनीला वनीला का फ्रूट है What is this? I want this. You see, it has the stick and even has some chocolate. Fine. Yes. You done? Anything else? This is ice cream. No. I think tomorrow. Papa, tomorrow I'm gonna come back here. Okay. और इस सुपरमार्केट के बाहर एक इंडियन शॉप भी है जहाँ पर समोसे ब्रेड पकौड़ा पकौड़े ढोकला कचौरी और स्वीट्स हो गए जैसे गुलाब जामुन ढोकला दही मल्ले दही मल्ला या ढोकला पापड़ा यू पापड़ा पापड़ा जलेबी पापड़ा जलेबी विद कड़ी बस आ गए हैं वीडियो के एंड में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।